एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रूफ दैट ओमेगा 32 प्लस ओमेगा 37 इक्वल्स टू -1। अच्छा, प्रूफ का सवाल होता है प्रॉपर्टी से, और प्रॉपर्टी हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली क्या कि ये प्रॉपर्टीज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर, मल्टीप्लाई 1 के बराबर, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर। तो देखिए 1 ओमेगा क्यूब, अगर मैं किसी भी पावर को क्यूब में ले आऊँ तो 1 के इक्वल होगा। तो देखें, अगर मैं ये लिख दूँ ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है, तो ओमेगा 6 भी तो 1 के बराबर होगा। कैसे? ओमेगा 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब, और ओमेगा ओमेगा बेसिस सेम, पावर एड, तो वापस ही ओमेगा 6 बन जाएगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। ओमेगा क्यूब 1 के, 1 1 दर 1, तो मतलब अब 3 की कोई भी टेबल चले पावर में तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसे 3 के टेबल में लाने की कोशिश करूँगा तोड़ के। तो 32 के 3 के टेबल में आता है? नहीं, एक कम करा। 31 3 के टेबल में आता है? नहीं, 31 कम करा कितना? 30 के 3 टेबल में आता है? हाँ आता है। तो मैंने कहा ओमेगा 30 डॉट कितना बचा? 2 बचा ना, तो ओमेगा 2 बेसिस सेम, पावर एड, वापस 32 बन जाएगा। तो इस तरह ब्रेक करूँगा कि 3 का टेबल एक आ जाए। 37 3 टेबल में आता है? नहीं। 36 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। तो मैंने लिख दिया ओमेगा 36 डॉट और एक बचा ओमेगा, सिर्फ लिख देता हूँ, सही है, इक्वल्स टू -1। अच्छा, ओमेगा 30 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल, लेकिन वो कैसे मैं लिख दूंगा? मैं ऐसे लिख दूँ ओमेगा क्यूब की पावर 10, 3 10 30 हो रहा है ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब कब होगा? 3 10 30 11 12, ये 12 से होगा, डॉट ओमेगा इक्वल्स टू -1। अच्छा, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो मैं लिख दूंगा 1 की पावर 10 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1 है, तो 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा इक्वल्स टू -1। तो ये 1 की पावर 10 किसके बराबर होगा? 1 लिखूँ नहीं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 12, 1 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? यहाँ पे अगर ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? अगर मैं यहाँ 1 हो रहा है जाके -1 के बराबर हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्रॉपर्टी के जरिए, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू -1, और ये प्रूफ्ड। अच्छा, पार्ट 3 के अंदर हमें ये प्रूफ करना है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 इक्वल्स टू 32। तो मैं पहले ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 32 है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अच्छा, प्रॉपर्टीज हमें एक चीज़ क्या पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0, सही है। अगर 1 किसके बराबर होता है? 1 बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो दूसरे लफ्ज़ों में कह सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होता है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो है 1 और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है? प्लस 1 आया कि पावर 5, 1 प्लस 1 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, 2 2 4, 4 8 16, 16 2 32, 1 2 3 4 5, तो सही 32, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। जब हम लोग पार्ट 4 करते हैं तो पार्ट 4 में इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, लेकिन अपाउंट में प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोग इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। तो क्या करते थे, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 3। तो अगर हम इन दोनों को इसके बराबर प्रूफ कर दें तब भी मैथमेटिकली ये प्रूफ होगा। तो अच्छा, इसको हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 लाना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 प्लस ओमेगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़र 4, 2 ओमेगा ज़र प्लस 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब। अच्छा, 4 दोनों में 2 कॉमन है, मैं 2 कॉमन ले लूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अच्छा, अब हमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या पता है, अब प्रॉपर्टीज ने सारी कर ली, देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा, 1 प्लस हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है हमारा -1 के बराबर होगा, ये तो आ गया। अच्छा, ये क्या, ओमेगा क्यूब है ना, ओमेगा क्यूब, अब मैं पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख दूँ, 4 प्लस 2 क्या आया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आया, और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है, 4
टू माइनस वन जो माइनस टू प्लस वन, फोर माइनस टू टू और टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री। तो ये थ्री क्या आ गया असल में, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड हो गया, सही। तो मैं दोबारा इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर से क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये क्या बन गया असल में टू प्लस ओमेगा स्क्वायर, टू प्लस ओमेगा इक्वल्स टू थ्री। अब वापस इसको वहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, टू प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू प्लस ओमेगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने इसको इस तरह प्रूफ कर लिया। अच्छा पार्ट फाइव करते हैं, तो हमें इसको वन के इक्वल करना है, तो मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लेता हूँ, क्या है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 18। अच्छा अब एक चीज़ देखें, हमें वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को अलग से करने से अच्छा है कि मैं क्या करूँ, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर दूँ, और वो मैं प्रॉपर्टी के ज़रिए करूँगा, छोटा करना चाहूँगा मैं इसे, ये होता है ज़ीरो के बराबर। तो मैं देखूँगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं यहीं रहने देता हूँ और इसको वहाँ भेज देता हूँ, तो पता चला वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा के बराबर, तो मैं इसकी जगह माइनस ओमेगा लिख दूँ 18। देखिए अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा ओमेगा की पावर 18, तो मैं इसको ऐसे भी सकता हूँ, माइनस वन को माइनस साइन को मैं अलग कर देता हूँ और ओमेगा को अलग कर देता हूँ, सही है। तो माइनस वन की पावर 18, वन की पावर कुछ भी हो वही होता है, और ये माइनस साइन हट जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर इवन है, तो ये तो हो जाएगा वन, और ओमेगा की पावर 18 हो गया ये, सही है, वन मल्टीप्लाई बाय वापस क्या हो गया ओमेगा की पावर 18। अच्छा हमें क्या पता है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ ओमेगा क्यूब, सही। अब थ्री के टेबल में 18 कब आता है, 3 5 15, 3 6 18, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, वापस यही बन जाएगा। तो ये देखें ओमेगा क्यूब किसके बराबर, वन के बराबर होता है, वन की पावर 6, और वन की पावर 6 के बराबर होता है वन के, और ये किसके बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। अच्छा ये वाला पार्ट भी जो है बिल्कुल तकरीबन पिछले पार्ट जैसा ही है, तो इसके अंदर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो मैं कह रहा हूँ 7 7 ज़र 49, 7 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 7 7 ओमेगा, और ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अच्छा 49, 7 दोनों में कॉमन है, मैं ले लूँ 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अच्छा प्रॉपर्टीज से हमें क्या पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो 0 के बराबर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये रखूँगा 1 को उधर ले जाऊँगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ रख देता हूँ, 49 प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर है माइनस 1 के, और ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, तो हो जाएगा 49 माइनस 7 प्लस 1, 49 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, 49 माइनस 6 43, और ये किसके बराबर है, ये देखें राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हो गया प्रूफ।